हेलो एवरी वॉर्निंग वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल सो आज के लेक्चर में हम टेन एम सी क्यूज़ डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू योर प्रियाम्बल ना अगेन अ सिम्पल टॉपिक लेकिन आज के जो क्वेश्चन होंगे थोड़े टीडियस क्वेश्चन होंगे सो so, ध्यान से पढ़िएगा एंड एज यू नो प्रियाम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ से हर साल कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है इसीलिए प्रियांबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है

आपसेन के बारे में पूछा गया और सोशलिस्ट के बारे में पूछा गया सो so, आप अपनी ना right, ध्यान से देखिए देखिए जब हम अपने प्रियांबल की बात करते हैं main तीन चीजें दे रखी है सबसे पहले source of authority क्या दे रखा है source of authority कैसे जब हम प्रियाम्बल पढ़ते हैं सबसे पहला वर्ड पढ़ते हैं वी द पीपल तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है दैट इज वी द पीपल राइट सो सोर्स ऑफ अथॉरिटी दे रखा है दूसरा क्या दे रखा है दैट इज ऑब्जेक्टिव अब ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ द स्टेट दे रखा है नेचर ऑफ द स्टेट ना दीज थ्री थिंगस है नेचर ऑफ द स्टेट कैसा है हम क्या हैं ट्रिपल एस डी आर अब अगर आपने पढ़ा होगा ट्रिपल एस डी आर दैट इज सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना तो ये क्या है हम अपनी स्टेट की नेचर बता रहे हैं कि हमारा स्टेट है कैसा तो अभी जो आपसे पूछा गया है ये किस पे क्वेश्चन है नेचर ऑफ दी स्टेट पे क्वेश्चन है उसके बाद क्या दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव कैसे याद रखते हैं जे एल ई एफ जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रिटर्निटी सो बेसिकली ये क्या है ये ऑब्जेक्टिव हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चाहते क्या हैं तो प्रियाम्बल में ये तीन चीजें हैं नेचर ऑफ दी इंडियन स्टेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव राइट सो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सॉवरन टर्म का मतलब क्या है और सोशलिस्ट का मतलब क्या है सो so, आंसर हमने यहां पर देखा आंसर वन है क्योंकि सॉवरन का मतलब क्या होता है वेन यू आर इंडिपेंडेंट जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग आप खुद कर रहे हैं कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुंस में आके नहीं कर रहे हैं उसको कहा जाता है सॉवरन

द प्रियांबल हैज नो लील इनफोर्सिबिलिटी बट प्रोवाइड द गाइडेंस इन इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियाम्बल कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियमेंट अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट ऑफ दूशन आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स पता नहीं है वन ओनली वन एंड टू ओनली वन टू थ्री और इज अ डी टू एंड थ्री सो अगेन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ध्यान से स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए उसके बाद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड अटैम्प्ट क्वेश्चन राइट लेट सी दी आंसर आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज सी वन टू थ्री देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो का क्या है वो बेसिकली फिलोसफी कंटेन करता है कि हाँ हमारे फंडामेंटल वैल्यूज क्या हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चाहते क्या हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही क्यों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसकी तरफ मूव कर रहा है जस्टिस प्रोवाइड करने की तरफ मूव कर रहा है इक्वालिटी प्रोवाइड करता है फ्रीटर्निटी प्रोवाइड करता है लिबर्टी प्रोवाइड करता है सो so एक तरह से क्या दे रखी है हमारी फिलोसफी फंडामेंटल फिलासफी दे रखी है नेक्स्ट द प्रियाबल हैज नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी यस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है लेकिन अगर कुछ भी इंटरप्रेट करना है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो ब्रॉड गाइडलाइंस किस में दे रखी हैं प्रियाम्बल में दे रखी हैं कल को अगर हमें अमेंडमेंट करनी है प्रियांबल uh, को अमेंड करना है तो क्या अमेंडमेंट पॉसिबल है येस इट इज पॉसिबल ये आपको केशव भारती केस में भी कहा गया था कि जो प्रियाम्बल है वो इंटेग्रल पार्ट है पहले क्वेश्चन ये कि कि आप पार्ट है नहीं है देखो आज आपको केशवनंदा भारती केस के बाद देखने को मिलता है यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड बट क्या अमेंड नहीं कर सकते बेसिक फीचर्स बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते तो वी कैन अमेंड बाय यूजिंग आर्टिकल 368 368 से हम यहां पर चेंजेस कर सकते हैं जैसे फोर्टी अमेंडमेंट में हमने यहां पर कितने वर्ड्स ऐड किए थे यहां पर तीन वर्ड्स ऐड किए थे अब वो तीन वर्ड्स कौन कौन से हैं तो आपको देखने को मिलता है इट इज सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी ये तीन वर्ड्स को ऐड किया गया था किससे फोर्टी अमेंडमेंट से राइट सो अमेंड करा जा सकता है लेकिन आप यहां पर क्या डैमेज नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर सकते सो क्लैरिटी है इज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइडियल्स दैट आर इंश्राइंड इन द प्रियांबल द टर्म जस्टिस इन द प्रियाल कवर्स सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस द टर्म लिबर्टी इन द प्रियाल गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप प्रियांबल इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू दिटीजन आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है इज इ डी वन टू थ्री अगेन ईजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से रीड करिएगा तभी आपको ये इजी क्वेश्चन लगेगा वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए और राइट लाइट दी आंसर आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज वन एंड टू देखिये यहां पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो लिखा है यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को सिटीजन को यहां पर प्रियम्बल में एडेड है नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पार्ट फोर ए में देखने को मिलती है किसमें पार्ट फोर ए में और आर्टिकल नंबर आपको फिफ्टी वन ए देखने को मिलता है है ना तो यहाँ पर आपको अब प्रेजेंटली इलेवन ड्यूटीज देखने को मिलती है क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिबल है नहीं एनफोर्सिबल है ठीक है प्लस ये जो इलेवन ड्यूटीज है इलेवेंथ ड्यूटी को एट्टी सिक्स अमेंडमेंट से एड किया गया था ना आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है होमवर्क है आप कमेंट बॉक्स में जरूर यहां पर जो आपकी इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको जरूर लिखिए बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जो कि सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे सो so, पहली दोनों ठीक है जस्टिस कौन कौन से तीन तरह के जस्टिस की बात करी गई है हमारे प्रियम्बल में सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस और तीसरा अगर हम यहाँ पर लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी किस तरह की लिबर्टी का मतलब क्या होता है जब आपके पास फ्रीडम विदाउट रिस्ट्रिक्शन है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको लिबर्टी कहा जाता है राइट तो लिबर्टी किस तरह की ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप दिस हैज बीन रिटन इन आवर प्रियम्बल क्लाटी है फर्स्ट टू करेक्ट हो जाती हैं थर्ड इनकरेक्ट है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन है कंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वज अडॉप्टेड आफ्टर रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द प्रियाम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ रिपब्लिक द वर्ड सेक्यूलर वॉज एडेड बाय द प्रियाम्बल बाय फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवन एट आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है आपके पास ऑप्शंस हैं वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली टू ओनली और इज अ डी वन एंड थ्री ओनली सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए All right. Let's see the answer. Answer, you have to see. It is two only. Now, pay the It was adopted after. Just a second. It was adopted after the rest of the constitution was passed by the constituent assembly. Now, this is true. The preamble uh, declares India to be a republic. That is also true. वर्ड सेक्यूलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल से फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से एड किया गया है देखिये फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है इसलिए आंसर यहाँ पर ए हो जाता है सी नहीं है ध्यान रखना ठीक है इसको अडॉप्ट कैसे किया गया था हाँ जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद इसकी इसकी अडोप्शन आपको देखने को मिली थी सो इट वॉज अडोप्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पासॉप्शन जस्ट यहाँ पर हम अगर अडोप्शन की बात करते हैं देखिए अडोप्शन किससे हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ था किससे हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ था तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हुआ नहीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले ही हो गया था इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है इट इज टू सी टू ओनली क्योंकि अडोप्शन की बात करी जा रही है ध्यान रखिए अडोप्शन की बात करी जा रही है इसको लाया गया था जब अटैचमेंट करी गई अटैचमेंट बाद, में करी जाती है। के बाद जब बन गया, उसके बाद यहाँ पर किया गया था नहीं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू इसको एड किया गया था और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसका था जवाहरलाल नेहरू क्लैरिटी है ठीक है so, सो इसलिए आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है इट इज टू ओनली क्लैरिटी है अभी मैंने आपको बताया फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कनसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल द प्रीएम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन The preamble reflects the essence of Indian state and its objectives. The 42nd Constitutional Amend Amendment inserted the terms socialist, secular, and integrity into the preamble. Again, a very simple question 1 only, 2 and 3 only, 3 only, or is it D, 1, 2, 3? Again, video ko pause and mark your answer. Alright, let's see the answer. Answer, you will see it is 2 and 3. Now, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो प्रियांबल है क्या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है नहीं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिए हैं डी पी एस पी याद रखना ठीक है -P -P, हमने डी पी एस पी बोर किए हैं किससे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है बाकी बिल्कुल ठीक है जो प्रियम्बल है वो रिफ्लेक्ट करता है किसको असेंस को ऑफ द इंडियन स्टेट है ना तो असेंस क्या है जैसे हम क्या है सॉवरन है हम सोशलिस्ट हैं हम सेक्युलर हैं तो बेसिकली क्या बताता है ये नेचर बताता है इंडियन स्टेट की एंड सेकेंड फोर्टी सेकेंड अमेन्म से तीन वर्ड एड किए गए हैं इट इज सोशलिस्ट सेक्युलर

All right, let's see the answer. Answer आपको देखने को मिलता है है। है, ये अभी ही हम पढ़ के आए हैं नहीं है, लेकिन interpretation अगर, अगर constitution की करनी तो आप इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है बाकी बिल्कुल ठीक है फ्रिटर्निटी के बाद आपको देखने को मिलता है इट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल

के इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये आपका क्वेश्चन है ठीक है नाउ इट गारंटीज दैट अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स क्या रिपब्लिक ये देता है नहीं रिपब्लिक का मतलब क्या है सिर्फ और सिर्फ दैट दी हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी ठीक है इसलिए आंसर क्या बन जाता है इट इज वन ओनली बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हो जाती हैं क्लैरिटी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है आपका कंसर द फॉलोइंग टर्म्स द टर्म डेमोक्रेटिक इन द प्रियांबल इंडिकेट्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया गवर्न देमसेल्स डायरेक्टली द इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम रादर दैन दी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू और इज अ डी नीदर वन नॉट टू अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए राइट लेट्सर आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज टू ओनली नाउ यहां पर देखा द टर्म डेमोक्रेटिक इन द प्रिया इंडिकेट्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया गवर्न दम सेल्व डायरेक्टली नहीं यहाँ पर डायरेक्टली नहीं करते हैं क्यों क्योंकि हम क्या करते हैं रेप्रजेंटेटिव भेजते हैं रेप्रजेंटेटिव इलेक्ट करके हम भेजते हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है सो इंडियन मॉडल कैसे किस पे बेस्ड है येस इट इज बेस्ड ऑन रेप्रजेंटेटिव सिस्टम ठीक है जिनको हम क्या करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से भेजते हैं हमारे यहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है ठीक है तो हमारे यहां पर डेमोक्रेसी कैसी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है एंड दैट टू इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्लाटी है इसलिए आपकी यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन आपसे इक्वालिटी के बारे में पूछा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और गारंटीड बाय बाई कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियाम्बल रेकग्नाइजेज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस बट डज नॉट रेकग्नाइज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू और इज इट डी नी दन नॉट टू अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए राइट स्टेटमेंट आपके यहाँ पर वन ओनली इज करेक्ट अब ध्यान से देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो आपको आर्टिकल फोर्टीन के तहत देखने को मिलता है क्या गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज ट्रू सो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना फंडामेंटल राइट्स में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ राइट नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर बोला गया है कि ऑफ स्टेटस तो दिया गया है लेकिन इक्वालिटी ऑफ ऑपरचुनिटी नहीं दे रखा दिस इज इनकरेक्ट हम जब इक्वालिटी पढ़ते हैं तो दोनों ही दे रखा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एज एज वेल इक्वालिटी ऑफ ऑपरचुनिटी राइट सो ये वाले जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है वन ओनली क्लारिटी है लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है द टर्म फ्रटर्निटी इन द द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल टर्म फ्रटर्निटी इंप्लाइज दिनेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आपको करेक्ट वन ओनली, टू ओनली फ्रटर्निटी जो है वो बेसिकली किस को सिम्बलाइज करता है ऐसा नहीं पूछा गया कि प्रियम्बल में बताओ फ्रटर्निटी क्या है सिम्बलाइज क्या करता है यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सो स्टेटमेंट सॉरी वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए ऑल राइट लेट्स आंसर दोनों ही है क्योंकि सिंबलाइज यही करता है इंप्लाई क्या करता है फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है ब्रदरहुड भाईचारा भाईचारा अब ये भाई कैसे बनेगा जब हम एलिमिनेट करेंगे कास्ट और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को ठीक है तो इंप्लाई यही करता है ऐसे ही अगर हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं ये इंश्योर क्या करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो so, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं अगर आपसे ये पूछा होता कि फ्रिटर्निटी के आगे लिखा क्या है देखिए फिर तो आपको सिर्फ बताना होता कि प्रियम्बल में एक्चुअली में क्या लिखा है लेकिन आपसे इम्प्लाइड वर्जन पूछा गया है कि इसके मायने क्या है मतलब क्या है इसका तो अगेन दोनों ही हैं, क्योंकि भाईचारा बढ़ेगा कब ब्रदरहुड कब बढ़ेगा जब एलिमिनेशन होगा कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटीज का क्लैरिटी है सो so आंसर क्या बन जाता है आपका बोथ वन एंड राइट सो दिस वी हैव कम्प्लीटेड प्रियाम्बल देखिए प्रियाम्बल के जितने भी टफ क्वेश्चन बन सकते थे वी हैव कम्पलीटेड आई वुड सजेस्ट प्रियाम्बल वाला जो चैप्टर है आप लक्ष्मीकांत से या अपने नोट से कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं एंड इवेंचुअली इसके जो क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए वंस यू हैव प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर अपने स्कोरिंग लिखिए ठीक है वहीं से आपको पता चलेगा कि किन क्वेश्चन को मैंने गलत किया है किन क्वेश्चन को सही किया है सो दिस वज इट फ्रॉम माई साइड आई होप यू लाइक द लेक्चर थैंक यू वेरी मच